SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद विपक्ष की आलोचना का शिकार हो रही नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की। आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्रालय ने SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी दी थी। वहीं इस मुद्दे पर आज 2 अप्रैल को दलित संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के अलावा एनडीए के दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले जनप्रतिनिधियों ने भी मोदी सरकार से रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की मांग की थी। इसके अलावा एनडीए के कुछ सहयोगी दलों ने भी नाखुशी जाहिर की थी। कुवैत के दक्षिणी इलाके में रविवार को 2 बसों में आमने सामने टक्कर हो गई और इस हादसे में 7 भारतीयों समेत 15 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग जख्मी हो गए। फायर फाइटर्स ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। 3 पाकिस्तानियों की भी जान चली गई। मरने वाले सभी लोग कुवैत की ऑयल कंपनी में काम करते थे। कुवैत के मीडिया ने फायर सर्विस डायरेक्टरेट के हवाले से बताया कि हादसा बुरगान ऑयल फील्ड में अल अरताल रोड पर हुआ। इसकी सूचना के बाद फायर फाइटर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बसों में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घायलों में एक की हालत नाजुक होने पर उसे एयर एम्बुलेंस से भेजा गया। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ आज दिन भर चले सेना के ऑल आउट ऑपरेशन में 13 आतंकी मारे गए हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों को स्थानीय नागरिकों का संघर्ष भी झेलना पड़ा। अब तक 4 नागरिकों की मौत हुई है जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस कार्रवाई में 3 जवान भी शहीद हुए हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों की मौत की खबर फैलने के बाद शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा में तनाव व्याप्त हो गया और एक अलगाववादियों ने कश्मीर में 2 दिन के बंद का ऐलान किया है। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने भी एहतियात के तौर पर सोमवार को सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला किया है। हरियाणा और दिल्ली के बीच चल रहे जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से दायर याचिका में हरियाणा से दिल्ली को पूरा पानी देने के निर्देश दिए गए थे। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी और याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1996 में हरियाणा को रोजाना 450 क्यूसिक पानी दिल्ली को मुहैया कराने का निर्देश दिया गया था। जल बोर्ड ने आरोप लगाया है कि हरियाणा रोजाना 330 क्यूसिक पानी सप्लाई कर रहा है जिस कारण दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान के साथ जल्द से जल्द बातचीत करने की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वो पाकिस्तान की महबूबा हो सकती है, हमारी नहीं। स्वामी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर पाकिस्तान से सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा वापस क्यों नहीं लिया गया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके जैसे लोग ही इसके लिए दबाव बनाते हैं। महबूबा पाकिस्तान के लिए महबूबा हो सकती है, हमारे लिए कभी नहीं। कश्मीरी पंडितों के एक समूह द्वारा आयोजित समारोह में महबूबा ने कहा था कि युद्ध कभी कोई विकल्प न ही था और न ही हो सकता है। आपसी मेल मिलाप ही एक मंत्र है जिसका पालन करने की हमें जरूरत है। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने राज्यसभा सांसद के रूप में अपना पूरा वेतन और भत्ते प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिए। उनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ था। पिछले 6 वर्षों में तेंदुलकर को वेतन के रूप में लगभग 90 लाख रुपए और अन्य मासिक भत्ते मिले थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी आभार पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा गया था कि प्रधानमंत्री ने इस सहृदयता के लिए आभार व्यक्त किया है और ये योगदान संकटग्रस्त लोगों को सहायता पहुंचाने में बहुत मददगार होगा। आपको बता दें कि तेंदुलकर और मशहूर अभिनेत्री रेखा की इन वर्षों में संसद में कम उपस्थिति के लिए कई बार आलोचना झेलनी पड़ी थी। तेंदुलकर ने हालांकि सांसद निधि का अच्छा उपयोग किया था। उनके कार्यकाल से जारी आंकड़ों में उन्होंने देश भर में 185 परियोजनाओं को मंजूरी देने तथा उन्हें आवंटित 30 करोड़ रुपए में से 7.4 करोड़ रुपए शिक्षा और ढांचागत विकास में खर्च करने का दावा किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने झज्जर की बेटी और दुनिया की नई शूटिंग सनसनी मनु भाकर को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मनु भाकर को बधाई दी है। आपको बता दें कि पीएम ने मनु की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि सबसे युवा मनु भाकर का प्रदर्शन शानदार है। हरियाणा से संबंध रखने वाली मनु भाकर ने 2 साल पहले शूटिंग में अपना करियर शुरू किया था। इतने कम वक्त में वो देश के होनहार एथलीट बनकर उभरी है। भारत की दमदार निशानेबाज मनु भाकर ने अपना शानदार फॉर्म बरकरार करते हुए ISSF जूनियर विश्व कप में अब तक 4 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए हैं। आपको बता दें कि अब तो मनु के रजत पदक में भी स्वर्ण तब्दील होने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार के मार्ग पर चलकर कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती हो, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत इसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनकी नजर संघ की ये भाषा नहीं है और वो एक राजनीतिक नारा है। संघ के बारे में बताते हुए ये सब बातें रविवार को मोहन भागवत ने कही। एक किताब के विमोचन के मौके पर उन्होंने कहा कि ये सब राजनीतिक नारे हैं, संघ की ये भाषा शैली नहीं है। बकौल भागवत मुक्ति शब्द राजनीति में इस्तेमाल होता है। RSS किसी को अलग करने की भाषा को प्रयोग नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करना है, जो संघ के विरोधी है उन्हें भी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज हिसार के दौरे पर हैं। हिसार में आयोजित कई कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे। चौकीदार सम्मेलन में भाग लेने के अलावा पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे। साथ ही दोपहर बाद सीएम हिसार में बनी हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला चिकित्सालय का उद्घाटन भी करेंगे। SC ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का विरोध तेज होता जा रहा है। इस फैसले में देश का शीर्ष कोर्ट ने आरोपी अधिकारी के गिरफ्तारी बिना विभागीय अनुमति के नहीं करने के निर्देश दिए थे। रविवार को हिसार में नारनौल कस्बे में विभिन्न दलित संगठनों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पुतला फूंककर विरोध जताया। इस दौरान संगठनों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे मास्टर नरेश भोला ने कहा कि यदि सरकार ने शीर्ष कोर्ट के फैसले को रद्द नहीं किया तो SC ST समुदाय के हर स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए वो लोग तैयार हैं। और कोर्ट के इस फैसले के विरोध में सोमवार को देश भर में बंद की कॉल भी की गई है। सरसों की खरीद को लेकर प्रधानमंत्री को खत लिखने वाले भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह ने एक और खत लिखा। इस बार सांसद ने खत में प्रधानमंत्री से बुढ़ापा पेंशन के लिए उम्र 60 से घटाकर 55 साल करने की मांग की है। रविवार को उन्होंने भिवानी में उन्होंने कहा कि गरीब अच्छे खान पान के अभाव में समय से पहले ही वृद्ध दिखने लगते हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला जल्दी ही प्रदेश की भाजपा सरकार के कई मंत्रालयों के घोटालों का खुलासा करेंगे। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार में ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो।
भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा ने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि चौटाला रविवार को रोहतक ब्लॉक ऑफिस में चल रहे सरपंच और ग्राम सचिवों के धरने को समर्थन देने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश के सरपंचों से माफी मांगकर इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रदेश के सरपंचों का अपमान किया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा से बीजेपी सांसद ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। रविवार को झज्जर में उन्होंने दावा किया कि महान क्रांतिकारी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिलवाने में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूर्वज शामिल थे। उन्होंने कहा कि हुड्डा परिवार का सारा कारनामा अंबाला की सेंट्रल जेल में सुरक्षित पड़ा है। एक सवाल के जवाब में सांसद सैनी ने कहा कि हुड्डा सीबीआई की कार्रवाई को बदले की भावना बता रही है, जबकि वो अपने कर्मों को नहीं देखते। कैथल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिरकत की। वहीं सुरजेवाला ने अपना बयान देते हुए कहा कि कैथल जिले में कानून व्यवस्था बदहाल है, जहां बदमाशों को किसी का खौफ नहीं है और खुलेआम शहर में घूम रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं, व्यापारी और उद्योगपति दहशत में अपना जीवन बिता रहे हैं। सुरजेवाला ने सरपंचों के मामले पर बोलते हुए कहा कि सरपंचों के अधिकारियों को छीनकर बीजेपी ने प्रजातंत्र का तिरस्कार किया है। साथ ही खुद के विधानसभा में गैर हाजिर होने के सवाल पर सुरजेवाला का कहना था कि मुझे जिम्मेवारियों का एहसास है, पहले सीएम अपने क्षेत्र में कितनी बार गए हैं उसका मीडिया को जवाब दें, और कहा कि हरियाणा में बदलाव का बिगुल बज चुका है। रेवाड़ी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की धारूहेड़ा ब्रांच में 5 करोड़ के लोन घोटाले के मामले में पुलिस ने 8 केस और दर्ज किए हैं। इससे पहले पुलिस ने इस बयान में 5 केस दर्ज किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि बताया ये भी जा रहा है कि बैंक शाखा की तरफ से वर्ष 2009 से 2012 के बीच 213 लोन फर्जी कागजातों के आधार पर पास किए गए थे। सभी लोन राजस्थान क्षेत्र के अधीन आने वाले गाँव के लोगों ने लिए थे। जानकारी के मुताबिक एसबीआई बैंक के वर्ष 2009 से लेकर 2012 के बीच जो लोन जारी किए गए थे, उनमें से 213 पास किए गए लोन की किस्त संबंधित व्यक्तियों ने जमा ही नहीं करवाई और लोन की रकम वसूलने के लिए बैंक की तरफ से रिकवरी सूट डाला गया, जिसके बाद कई बड़ी परतें खुलती चली गई और 29 लोगों पर FIR के आदेश जारी हुए। विधानसभा का बजट सत्र 3 दिन के अवकाश के बाद आज फिर से शुरू होगा। सत्र से पहले बीजेपी और कांग्रेस विधायक दल की तरफ से रणनीति बनाए जाने की संभावना है। विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। बजट सत्र की अब 4 बैठकें होनी है, जिसमें एक के प्राइवेट मेंबर डे के लिए रखा गया है। ऐसे में बजट सत्र के शेष दिनों में हंगामे होने के पूरे आसार है। विपक्ष दल कांग्रेस की तरफ से सरकार को विभिन्न मुद्दों को लेकर घेरे जाने की संभावना है, जिस पर विधायक दल अंतिम निर्णय लेगा, और इसी तरह सत्ता पक्ष भी विपक्ष को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए रणनीति बनाएगा, यानी पक्ष विपक्ष के मध्य फिर से तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। दो से तीन बजे तक का वक्त प्रश्नकाल के लिए तय है। इसके बाद मुख्यमंत्री सदन को साप्ताहिक कार्यसूची से सदन को अवगत कराएंगे। साथ ही दस्तावेजों की प्रतिलिपियां और सदन की समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। इसके बाद नियम
62 के तहत चर्चा होगी। इराक में मारे गए जिला कांगड़ा के 3 युवाओं के अवशेष आज भारत पहुंचेंगे, जो कि आज अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारे जाएंगे और इन शवों को लाने के लिए जिला प्रशासन वहां पर मौजूद रहेगा, जबकि अमन के परिजन वहां पर नहीं गए हैं। अमन के परिजनों को सूचना भी दी गई थी, लेकिन उन्हें प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उनके बेटे के अवशेष सही सलामत उनके घर पर पहुंचा दिए जाएंगे। उधर मृतक अमन के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, माँ बाप का तो खाना भी छूट गया है। बेटे के गम में सारा परिवार सदमे में है। घर और गांव में मातम का माहौल है, कोई रो रहा है तो कोई अपने बेटे का इंतजार कर रहा है। शिमला लालपानी के सरकारी स्कूल के हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की ओर से प्रांतीय परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हिमाचल के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्य तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में शिक्षकों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को अध्यापन कार्य मिशन के रूप में लेना चाहिए, और ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो नैतिक मूल्यों का संचार कर सके। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा विभाग में खाली पदों को जल्द ही भरने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती जल्द ही शुरू कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में जल्द से जल्द छात्रों को स्मार्ट यूनिफॉर्म मिलेगी। इसे लेकर कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसके लिए टेंडर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले अपने सिरमौर के दौरे पर 12 अप्रैल से नाहन पहुंच रहे हैं, जहां पर वो देश के सबसे पुरानी दूसरी नगर परिषद के 150वें वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही नाहन में पांवटा साहिब के अनेक कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों का शुभारंभ भी करेंगे। ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने दी है और आशा जताई है कि इससे सिरमौर में विकास की गति बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश के ज्वाली उपमंडल का चुनाव रविवार विश्राम गृह में जिला अध्यक्ष और महासंघ के टांडा मंडल के अध्यक्ष की देखरेख में हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से सतपाल सिंह को अध्यक्ष और भारत भूषण को महासचिव और बलवान सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। वही नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष सतपाल सिंह ने कहा कि ज्वाली सब डिवीजन में एनजीओ भवन बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही न्यू पेंशन स्कीम का विरोध भी किया जाएगा और सरकार पर कर्मचारी हित में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने के बारे में स्टेट कार्यकारिणी के सहयोग से दबाव बनाया जाएगा।